पेमेंट का पेंडिंग पेमेंट जो है वो मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन जब तक EFC का जो सिलेक्शन वो जो होया है ना, कितना बजट लगेगा इसका फाइनेंस मिनिस्ट्री से जब तक नहीं आता है तब तक गवर्नमेंट पैसा नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम क्या हुआ, 280 करोड़ जो दिया था वो पहले फेज में, उससे भी ज़्यादा खर्च किया है, मोर देन 50-70 करोड़ ज़्यादा एक्सपेंडिचर के लिए पैसा गवर्नमेंट ने दिया हुआ है, लेकिन प्रायोरिटी फिक्स नहीं करने के वजह से कुछ तो बिल्डिंग कंप्लीट करने से लोग वहाँ आराम से जा सकते थे। यू हैव स्टार्टेड एवरीथिंग बट नथिंग इज कंप्लीटेड इज द पोजीशन, एक्चुअली दैट इज व्हाई द ट्रबल इज देयर। बट नाउ ऑन प्रायोरिटी सम लिमिटेड फंड विल बी इमीडिएटली गिवन बाय द गवर्नमेंट विच विल बी पॉसिबल टू एटलीस्ट वन बॉयज़ हॉस्टल, वन गर्ल्स हॉस्टल कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट्स। यू नीड इलेक्ट्रिसिटी, यू नीड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, यू रिक्वायर इंटरनेट कनेक्टिविटी, यू रिक्वायर मोबाइल कनेक्टिविटी एंड फाइनली द रोड एंड एटलीस्ट वन एम्बुलेंस एंड ए डॉक्टर, इतना मिनिमम जब होगा तब शिफ्ट करना है। तो उसके लिए अभी जो चाहिए जुलाई तक अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट तो शिफ्ट कर सकते हैं। माई एक्सपेक्टेशन इज ओनली रोड, they have to create excellent road facility between here to the Jote campus. ye PWD ne acha kar diya, to if there is some student who is ill to take him to hospital, you see minimum one doctor, some medical aid will be there, but some emergency mein quickly transport to Itanagar karne ke liye ek ambulance fast jane ke liye, khadda khadda ka rasta hai to nahi ja sake, isliye hamara expectation state government se only giving that, and then the boundary wall, if it is all completed, I think students will safely and securely, happily live better than here. Here they are all spread, you can see how their life is, ek ek room mein 3-3, 4-4 log idhar udhar, theek toilet nahi hai, wahan to sab acha hoga, in fact yahan se 100 times better rahega, only thing is complete hona hai bas. नहीं नहीं, हमारा ये सभी NIT के फैकल्टी स्टूडेंट के लिए एक सुझाव है, ये जो मैंने भाषण में भी किया कि हम जहां हमको इतना अच्छा एजुकेशन मिल रहा है उसके वजह से हमको अच्छा अच्छा जॉब मिलने वाला है, तो हम लोग समाज के लिए क्या कर सकते हैं, तो यहां आसपास के गांव में जो समस्या है उसको हम समाधान कैसे कर सकते हैं, तो कैंपस में पानी का प्रॉब्लम है इसका मतलब गाँव में भी प्रॉब्लम है, तो वो गांव का पानी का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सोलार एनर्जी का यूटिलाइज करते हुए छोटे छोटे गांव में भी इलेक्ट्रिसिटी 24/7 कैसे दिया जा सकता है, ये सब तो ये सीखते हैं, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखा के उसको ख़राब होने से रिपेयर करने का कैसे है, ये यदि गाँव वालों को सिखाएंगे तो पूरा अरुणाचल प्रदेश सुंदर बहुत अच्छा बनेगा और उसके लिए इसका योगदान हो जाएगा।